हेलो क्लास 12th, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट आप लोग बनाने के बारे में सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा किन किन बातों पे ध्यान देके जाना। भाई बोर्ड के एग्जाम है, सवाल है, हर हाल में पूरे नंबर पाने का। फाइल कुछ ऐसी बनाए कि एग्जामिनर भी कहे मजा आ गया, और टॉपिक को ऐसा चूज करे जिसमें बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मैं तो कहता हूँ हिंदी की एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, एक पंथ दो काज। कुछ ऐसा टॉपिक चूज करा जाए जिसमें बेनिफिट डबल मिल जाए, याद करने का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। कैसा टॉपिक कौन सा चूज करें, वैसे भी काम आएगा और वैसे भी काम आएगा। ये ऐसे वैसे कैसे काम आने वाला है, इसके लिए दोस्तों पूरी यूट्यूब वीडियो जरूर देखना हमारी। आपका अपना यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर। मैं हूं नितेश बजाज, आपका अपना मेंटर, इकोनॉमिक्स का मेंटर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बोर्ड के वो बता देता हूँ, बोर्ड से क्या क्या डिटेल आई हुई है। प्रोजेक्ट 11 12th का जब भी आप बनाएं, इन सब डिटेल्स को ध्यान रखे चलें। डिटेल्स आपके सामने लिखी जा रही है दोस्तों, पर क्या है ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है आपको डीप नॉलेज देना थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक थ्योरी से आपको डेमोन्स्ट्रेट कराना इकोनॉमिक्स तो आप इवेल्युएट कर पाए इजिली, और ये सब कंसेप्ट आप बहुत ईजी कर पाए, और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल भी आपके लॉजिकली इम्प्रूव हैं। आपको पूरे साल में एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ स्कूल में क्या करते हैं, समर वैकेशन में एक दे देते हैं, विंटर वैकेशन में एक। भाई ओवरऑल प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स एक बनेगा, ओनली वन प्रोजेक्ट बनाना है, वन लिखा हुआ है साफ साफ बोर्ड की गाइडलाइंस। ठीक है, सिलेबस में से आप ये गाइडलाइन देख सकते हैं, तो दिखानी हो तो दिखा भी देना। टीचर का रोल है आपके सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे, दे शुड एक्ट लाइक अ फैसिलिटेटर एंड सुपरवाइजर, आपको सुपरवाइज करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, और कैसे प्रेजेंटेशन करना उसके लिए आपको गाइड भी करेंगे। सब काम टीचर का है, तो प्रोजेक्ट का है, आपको टॉपिक चूज करना है, मटेरियल ढूंढना, ऑर्गेनाइज करना है, तो प्रेजेंट तो आपको कंक्लूजन निकालना है, रिलेटिव कंक्लूजन है तो वो भी है, और प्रेजेंटेशन बेस्ट हो प्रोजेक्ट के। दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप है। अब एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट में क्या क्या चेक होगा आपके प्रोजेक्ट में, टॉपिक टाइटल हो, आइडेंटिफाई कॉजेज होने चाहिए आपको, कॉजेज कॉन्सिक्वेंस, स्टेक होल्डर को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कौन कौन से, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी वैलिडिटी क्या है, भरोसेमंद है नहीं है, डेटा जो आपने लिया है वो सच है या एज्यूम करा गया है, प्रेजेंटेशन देनी है इफेक्टिव, और साथ साथ मेटीरियल चेक करा है जहाँ जहाँ से, वो भी आपको मेंशन, फुट नोट और बिब्लियोग्राफी। मोड है आपको फाइल, ऑब्वियसली बात आपको फाइल सबमिट करानी है टीचर को, इंटरनल एग्जामिनर से आप चेक करा के उसको एक्सटर्नल एग्जामिनर को सबमिट करेंगे, इस बात को ध्यान रखे चलना आपकी प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर ये जो फाइल रहती है हमारी, अभी पीछे बताया गया 3500 से 4000 वर्ड्स के बीच में, इट मीन्स फाइल शुड बी बिटवीन 25 to 35 पेज तक की तो होनी चाहिए, मतलब अगर सेफ साइट चाहते हो तो मैं कहता हूँ 30+ पेजेस की, पेज की ना बनाना बिल्कुल, तो 10-12 पेज की बनाओगे एग्जामिनर बहुत अनॉयड होता है। इवन हम भी जाते हैं प्रैक्टिकली, कुछ बच्चे क्या करते हैं एहसान के रूप में फाइल ला के रख देते हैं नेट से कॉपी करके, ठीक है आप कॉपी कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन नो वन केयर अबाउट कि आपने कहाँ से लिया फाइल, लेकिन वो एटलीस्ट कम से कम सारे के सारे जो सीबीएसई के रूल्स रेगुलेशन पे खरी उतरनी चाहिए, मापदंड सीबीएसई ने दिया तो ऊपर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको बोर्ड की तरफ से मिले हैं, इन सब टॉपिक में से आप चूज कर सकते हैं, कुछ टॉपिक मैं भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत बेटर हो, इन सबसे बेटर है टॉपिक फिलहाल बता देता हूँ। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं, कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बना सकते हैं, एसटी पे बना सकते हैं, एफए पे बना सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे बना सकते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला मैं कहूँगा अच्छा है, मैं कुछ मार्क करूँगा आपके लिए जो आपके लिए शायद बेटर हो सकता है, शायद मैं मार्क ही कर देता हूँ सीधा, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत बेटर हो सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इट्स फंक्शन, इसकी फाइल हम आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोल ऑफ ट्रेड, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये, एक्चुअल में मैं उन प्रोजेक्ट में से आपके लिए कुछ मार्क कर रहा हूँ जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर है ना इकोनॉमिक्स का, जो आपका सिलेबस है उसका पार्ट है, तो
तो जब आप ऐसा कोई टॉपिक लेंगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है सिलेबस भी याद करना है और प्रोजेक्ट का भी याद करना है। तो सिलेबस याद करते करते प्रोजेक्ट का अपने आप ही याद हो जाएगा, इससे अच्छी बेनिफिट ही नहीं है यार। बढ़िया बेनिफिट है, इसको कहते हैं एक पंथ और दो काज, मतलब एक बार याद कराओ दो बार उसको यूज करा, बात ही कुछ यार। ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत बढ़िया है आपके, जो आपकी इकोनॉमिक्स बुक का पार्ट है, आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी कुछ अच्छे टॉपिक जो मुझे लगेंगे पर आप को बेनिफिट मिल सकता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टॉपिक है जो आपकी बुक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी आपके चैप्टर के अंदर पार्ट है वाला भी। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आप लोग बना सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना सकते हैं, ये आपके एलपीजी चैप्टर का पार्ट है, बारे में मैंशन कर। जीएसटी भी आपका गवर्नमेंट बजट के अंदर मैंशन है, जीएसटी चैप्टर आप अच्छे से बारे में गवर्नमेंट बजट में मैंशन बारे में आप इसके ऊपर बना सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आपका मेन। अब कुछ टॉपिक ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको बेनिफिट और अच्छा खासा दे सकते, टॉपिक करने के बाद आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। टॉपिक कौन कौन से आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहला टॉपिक जो आप ले सकते हैं वो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, सबसे ज्यादा थ्योरी चैप्टर के अंदर है। आप तीनों मेथड को आप बताओ, रियल बहुत कुछ है लिखने को, बम्पर लिखने को है यार, इतना कुछ लिखने को है कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, 30-40 पेज आपके खत्म ही होंगे। और लिखो मतलब बहुत बढ़िया है, अपना आराम से 40 से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप बना सकते हैं गवर्नमेंट बजट पे फाइल, गवर्नमेंट बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा, हमें 40 में देखने। आप गवर्नमेंट बजट पे बना सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। आप इसमें लास्ट ईयर गवर्नमेंट बजट नेट डाल सकते हैं, क्या सरकार ने किस जगह पे खर्च करने के बारे में सोचा, इस साल किस जगह पे खर्च करने के बारे में सोचा, इसके बीच में आप कंपैरिजन करेंगे तो आराम से आपके 7-8 पेज तो वैसे ही भर जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर, रिसिप्ट हैं, मतलब जो चैप्टर आपका है उसमें बहुत है, तो आपका आराम से 30+ पेज तो बहुत आसानी से भर जाएंगे। इसके अलावा जो तो खतरों के खिलाड़ी हैं वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी यूजफुल, और ऑब्वियस ही बात है आगे की स्टडीज के लिए बहुत बेनिफिट रहे। चैप्टर बना सकते हैं आप एग्रीगेट डिमांड पे बना सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमारे उस पर। आप इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एलपीजी पॉलिसी पे बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक बार आप बनाएंगे याद करेंगे तो आपको डबल दो जगह काम आएंगे। तो मैं आपको वो टॉपिक बता चुका हूँ तो बेनिफिट आपको सर्व करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ऐसे टॉपिक चूज करो यार जो आपको डबल बेनिफिट दे। ऐसे कुछ टॉपिक की फाइल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेता है दोस्तों, अच्छे सैंपल पेपर्स के लिए। और फ्री सैंपल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।